स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। रमन सिंह के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस ने की याचिका। छत्तीसगढ़ में जमुना सकनी ने छोड़ा बीजेपी का दामन। एटीएम से पैसे नहीं निकले, घर पहुंचा तो पता चला 67,000 रुपए कुल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के नामांकन पत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया है कि जो नामांकन पत्र मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दाखिल किया है, कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सिर्फ आपत्ति के लिए आपत्ति के तर्ज पे दी गई थी और ये बहुत स्पष्ट था कि इन आपत्तियों में कोई दम नहीं। यदि हम टाइप करा के नामांकन भरते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होता है, ज्यादा सुपाठ्य होता है, तो हमने बल्कि कानून की मंशा के मुताबिक ही हमारा नामांकन पत्र भरा है। इसलिए हमने भी यही आर्गुमेंट रखा कि आप जो फॉर्म भरा गया है वो पूर्णतः वैधानिक है, सही है एवं उचित है, अतः आपत्ति को निरस्त किया जाए और संबंधित नामांकन फॉर्म मंजूर किया जाए। नामांकन पत्र जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से इशू नहीं किया गया है, इस मामले में क्या तर्क दिया गया है? ये कतई अनिवार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रारूप पब्लिक डोमेन में रहता है। आप या तो ये तो आपकी सुविधा के लिए आरओ ऑफिस से नामांकन पत्र प्राप्त होता है, किंतु यदि वहाँ अप्राप्त है तो भी आप अलग उसी प्रारूप में आप अपना नामांकन भर सकते हैं। इसलिए हमने जो नामांकन भरा उसमें कोई अवैधानिकता और रिटर्निंग ऑफिसर ने इशू नहीं किया है और न ही नामांकन पत्र पर रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर लगाई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी सुप्रीमो अजीत जोगी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष जमुना सकनी ने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी। छत्तीसगढ़ के निर्माता अजीत जोगी जी, श्रीमती अंजना यरोला नगर महिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ पर विश्वास रखते हुए। आज का दौर डिजिटल माना जाता है, घर बैठे ही आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। डिजिटली ने हर काम जितना आसान बनाया है उतना ही खतरे में भी बढ़ा दिया है। यह ताजा मामला सामने आया है, कुछ बदमाशों ने एटीएम कार्ड बदल खाते से 67,000 रुपए निकाल लिए। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।